क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बींग ए डायरेक्टर, मैं सारे विद्यार्थियों को और उनकी शिक्षक टीम को एक मैसेज देना चाहूँगा कि 70 पर्यंत स्टार्टिंग से लेके ही मेहनत करें, न कि आखिर के अंदर जाके सोचें कि मैं ये कर लूँगा। इट इज़ क्वाइट एंड क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि अपन जानते हैं कि खरगोश और कछुए की जो रेस के बारे में अपन बचपन से लेके आज तक पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, सुनते आए हैं, कि एक कछुआ होता है जो एक कंसिस्ट स्पीड से, एक सतत चाल के द्वारा चलता रहता है और अपने मुकाम को हासिल करता है, अपनी रेस को जीतता है, न कि खरगोश जो मन आए तब चल दिया, मन आए तो रुक गया। इसलिए हमें एक सतत चाल के साथ इन विद्यार्थियों को नहीं, इस शिक्षक टीम को भी उन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा, ताकि हम उस सफलता को अर्जित करें। एक लाइन में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एवरी डे वेक अप विद द ड्रीम्स एंड एक्सिक्यूट इट विद फुल्ली डेडिकेशन एंड डोंट गो फॉर स्लीप अंटिल और अनलेस इट फिनिश इट। सो दिस इज़ माय मैसेज टू द स्टूडेंट कि जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता, डोंट गो फॉर स्लीप। वो सपने, अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो यही मेरा एक मैसेज सारे स्टूडेंट्स को है और उनके टीचर्स को भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर एबिलिटी होती है 90-95% की, उसको 2-5% टर्न करवाना है, वो टीचर्स के हाथ में ही है। तो टीचर्स अगर मेहनत करेंगे और स्टूडेंट्स उस टीचर्स पे विश्वास रखेंगे, तो डेफिनेट सफलता उनके चरणों के अंदर कदम चूमेगी। और सफलता से कहीं ज़्यादा मैं बच्चों के नॉलेज के ऊपर देता हूँ कि बच्चा अपना नॉलेज, अपना ज्ञान हमेशा बढ़ाए, न केवल उस रटाफिकेशन के ऊपर ध्यान दे। उन चंद चीज़ों को रट के आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपका ज्ञान, आपकी बौद्धिकता, आपकी कौशलता का विकास नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपनी कौशलताओं को, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, हर चीज़ को समझें, सोचें, उस पर तर्क करें और उसके बाद उसके अंदर आगे आप काम को जारी रखें और सफलता को अर्जन करें।